सेक्युलर पार्टियों के हिमायती और आरएलडी से सांसद रहे मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत की और ये एलिगेशन भी लगाया कि वो बंटवारे की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होता है। यही बात सभी सेक्युलर पार्टीज ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन सवाल ओवैसी के समर्थक ये कर रहे हैं कि जब मुसलमानों के हित की बात आती है और मुसलमानों की समस्याओं की बात आती है तो उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ चले जाते हैं। जब CAA, NRC और शाहीन बाग की बात आती है उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ चले जाते हैं। जब मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का मामला सामने आता है उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ चले जाते हैं। जब ट्रिपल तलाक की बात आती है उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ चले जाते हैं। जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में मुस्लिम नौजवानों के साथ पेश आती है उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ चले जाते हैं। इस तरह के कई सवालात के कटघरे में ओवैसी समर्थक लोग मौलाना महमूद मदनी को खड़ा कर रहे हैं।